सिवान जिले के पचरुखी थाना के तिलौता रसूलपुर निवासी नीतीश मिश्रा सूडान में गैस एलपीजी गैस टैंकर फटने से हुए घटना में गायब हो गए हैं। आपको बताते चलें कि सूडान के सलोमी कंपनी में गत दिवस एलपीजी टैंकर फटने से 130 लोगों की मौत हो गई है। इस संबंध में भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के अनुसार 23 भारतीयों की मौत हुई है इस घटना में, जबकि कई लोग लापता हो गए। इनमें नीतीश मिश्रा के भी नाम शामिल है। इसकी सूचना मिलते ही उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए तिलौता रसूलपुर से देखते हैं अखिलेश पांडे की विशेष रिपोर्ट। क्या मामला है? क्या मामला है? किसी को जो नहीं आया, हम गरीब आदमी हैं, हमारा लड़का कहाँ है, कोई खोज नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। बोलिए, क्या मामला है? आप ऊपर से मामला है कि लड़का हमारा विदेश रहता था, विदेश में कंपनी में ब्लास्ट हो गया, बहुत से आदमी मर गए, हमें हमारा लड़का के कौन कुछ कुछ अथी नहीं किया है। कोई नेता वगैरह आया? कोई नेता नहीं आया, ना कोई पुलिस आया, कोई खबर नहीं है। हम क्या करें, हमारे लड़का के कहाँ काम करता था लड़का? शीला कंपनी है विदेश में, साउथ अफ्रीका, उसमें बहुत से आदमी मर गए हैं। हम यहाँ सुनकर सब हम सब चाह रहे हैं, सब हम क्या करें, और कोई समझ नहीं आ रहा है हमको।